नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलो जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। पीएमसीएच में मीडिया पर लगा प्रतिबंध। मीडिया द्वारा पीएमसीएच की खबरें दिखाने के बाद पीएमसीएच प्रशासन ने फोटो और वीडियो लेने पर पाबंदी लगा दी है। पीएमसीएच प्रशासन ने अस्पताल के दर्जनों जगहों पर फोटो और वीडियो लेने पर रोक लगाने का पोस्टर लगा दिया है। अस्पताल प्रशासन ने इसे कोरोना के कारण उठाया गया कदम बताया है। पीएमसीएच की दीवारों पर जो पोस्टर लगा है उसमें लिखा है कि वार्ड आउटडोर इनडोर आकस्मिक एवं अन्य संवेदनशील स्थानों में कहीं भी बिना अनुमति के फोटो वीडियो बनाना सख्त मना है। आदेशानुसार पीएमसीएच प्रशासन। बीपीएससी परीक्षा में मिली गड़बड़ी की शुरू हुई जांच। बिहार लोक सेवा आयोग की रविवार को हुई 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में औरंगाबाद के एक सेंटर पर गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद आयोग ने भी अपने स्तर से मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। फैक्ट फाइंडिंग टीम में उप सचिव स्तर के दो अधिकारी आज औरंगाबाद के बीएल इंडो पब्लिक स्कूल में बने परीक्षा केंद्र का जायजा लेने पहुंचे हैं। पब्लिक स्कूल में बने परीक्षा केंद्र का जायजा लेने पहुंचे सचिव केशव रंजन ने बताया कि औरंगाबाद के एक केंद्र पर परीक्षा बाधित होने की जानकारी के बाद जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई थी, उनकी रिपोर्ट मिल गई है। अब आयोग ने भी अपने स्तर से जांच का फैसला लिया है। टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। राजद ने तनवीर हसन और श्याम रजक को दी बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव के नतीजे की समीक्षा के लिए दो कमेटियों का गठन किया है, जो पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के संयोजन में विभिन्न नेताओं और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की रिपोर्ट पर जांच करने वाली है। इन दोनों कमेटियों को 31 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा को लेकर 21 दिसंबर को पार्टी कार्यालय में एक बैठक बुलाई थी। उसी बैठक में विधानसभा चुनाव के तमाम प्रत्याशियों को बुलाया गया था। सभी प्रत्याशियों ने उनकी राय के लिखित रूप में मांगी थी। पार्टी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम सभी जिलाध्यक्ष प्रत्याशियों के सुझाव पर आगे की रणनीति, आगे पार्टी के भविष्य की योजना पर काम करेंगे। इसी कड़ी में 28 दिसंबर को पार्टी के प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता ने चुनावी संबंधी शिकायतों की जांच के लिए दो कमेटियों का गठन किया है। एक कमेटी उत्तर बिहार के लिए बनाई गई है तो दूसरी कमेटी दक्षिण बिहार के लिए बनाई गई है। कोविड-19 के माहौल के बीच बिहार चुनाव करवाने में सफल रहा आयोग। कोविड-19 माहौल की चुनौतियों से निर्वाचन आयोग भी छूटा नहीं रहा था। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा 2020 में कोविड-19 के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने को बड़ी उपलब्धि बताते हैं। इस बाबत उन्होंने कहा है कि अब अगले साल के कार्यक्रम के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया है कि बिहार चुनाव में करीब 7.3 करोड़ मतदाता थे, जिनके लिए 1.06 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे। हम कोविड सुरक्षित चुनाव कराने में सफल रहे और इस दौरान करीब 57.34% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो 2015 में हुए चुनाव के 56.8% मतदान से ज्यादा था। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज है सातवां दिन। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य के जूनियर डॉक्टर की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज भी जारी है। यूनिट ऑफिसर ने 7 दिन पहले शीतकालीन हड़ताल की शुरुआत की थी और तब से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ओपीडी इमरजेंसी से लेकर सर्जरी सेवा तक प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार जूनियर डॉक्टरों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां मरीज अपनी बेबसी पर रो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार यह ठान कर बैठी है कि जूनियर डॉक्टर कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से बात करें। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने एक बार फिर स्पष्ट कहा है कि अगर उन्हें लिखित आश्वासन दिया जाए तो वो हड़ताल तुरंत खत्म कर देंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने अब तक हड़ताल तोड़वाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की है। कृषि कानून के खिलाफ बिहार में आज किसान संगठनों ने राजधानी पटना में गांधी मैदान से राजभवन तक किया मार्च। किसान संघर्ष समन्वय समिति 29 दिसंबर को राजभवन मार्च करने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। वहीं आज कृषि कानून के खिलाफ बिहार में किसान संगठनों ने पटना में गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला। इसमें भाग लेने को अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धाम ने भी मंगलवार को पटना में वो देखे गए थे। गांधी मैदान से यह मार्च 12 बजे निकली। सीपीएम नेता मनोज चंद्रवर्शी ने बताया कि धावले किसानों को संबोधित भी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि धावले के नेतृत्व में महाराष्ट्र से हजारों किसान लंबी दूरी तय करके दिल्ली बॉर्डर पर एकजुटता प्रकट करते हुए डटे हुए हैं। उनके अलावा कार्यक्रम को किसान सभा के बिहार अध्यक्ष ललन चौधरी, राज्य महासचिव विनोद कुमार सहित बिहार के विभिन्न किसान संगठनों के नेता ने भी संबोधित किया। बिहार बोर्ड इंटर प्रायोगिक परीक्षा को लेकर जारी की गई अहम अधिसूचना। इंटर की प्रायोगिक परीक्षा के दौरान छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ फेस कवर भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। बिहार बोर्ड में प्रायोगिक परीक्षा के लिए सभी स्कूल के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। दिशा निर्देश की माने तो प्रायोगिक परीक्षा केंद्र पर छात्रों को मास्क पहनकर जाना होगा। पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने इसकी जानकारी सभी परीक्षा केंद्रों को भेज दी है। दिशा निर्देश के अनुसार ही सोशल डिस्टेंसिंग और प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाएगी। हर केंद्र पर छात्रों को उनके रोल नंबर
भर के अनुसार बुलाया जाना है। छात्रों का अलॉटमेंट घंटे के अनुसार ही किया जाना है, जिससे छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सके। आपको बता दें, प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होने के पहले सैनिटाइजेशन कराने का आदेश जारी किया गया है। सीबीएसई पटना जोन में 10वीं-12वीं की परीक्षा में घट गए परीक्षार्थी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार परीक्षार्थी कम संख्या में शामिल होंगे। 2020 की तुलना में 10 से 15% परीक्षार्थियों की संख्या में कमी देखी गई है। सीबीएसई की माने तो पटना जोन से 10वीं बोर्ड में 2,05,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाएगी। ऐसे में 12वीं बोर्ड के छात्रों में प्रैक्टिकल परीक्षा के कारण भी टेंशन है, क्योंकि उन्होंने जब लैब किया ही नहीं तो प्रैक्टिकल परीक्षा में कैसे शामिल होंगे। राजधानी के कई स्कूल ने दिसंबर में प्रैक्टिकल कक्षाएं शुरू की है। कई स्कूल में यह कक्षाएं चालू नहीं हुई है। 12वीं बोर्ड में 90,200 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है। 2020 की बात करें तो 10वीं में 2,19,907 परीक्षार्थी थे, जबकि 12वीं में 1,05,458 परीक्षार्थी शामिल थे। 2021 की 10वीं परीक्षा में 19,000 के लगभग परीक्षार्थी शामिल नहीं होंगे। वहीं 12वीं में 15,000 के लगभग परीक्षार्थी ने फॉर्म नहीं भरा है। बिहार की बात करें तो 10वीं में इस बार 1,40,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि 2020 में 1,55,673 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 12वीं में इस बार 50,000 छात्र शामिल होंगे, बल्कि 2020 में 68,031 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का डंडा। सीतामढ़ी के अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का डंडा चला है। डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा के आदेश पर जिला मुख्यालय डुमरा स्थित कोर्ट कैंपस शंकर चौक समेत दर्जनों स्थान पर अतिक्रमण हटाओ मुहिम की शुरुआत की गई है। सदर एसडीओ राकेश कुमार नेतृत्व में सीईओ अफसा प्रवेश और थानाध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद ने सड़क किनारे अतिक्रमण किए गए दुकानों को हटाने की बात कही है। एसडीएम सदर राकेश कुमार ने बताया है कि सड़क किनारे दुकानदार के कारण आय जाम की समस्या बनी रहती है, इसी कारण यह अभियान चलाया गया है। यह अभियान लगातार चलता रहेगा। उन्होंने कहा है कि सड़क किनारे मीना बाजार लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में नगर पंचायत के कर्मी मौजूद थे। जदयू नेता नीरज कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना। कोविड-19 के दौर में बेहतर कार्य करने को लेकर बिहार को राष्ट्रपति की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। पूर्व मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने विपक्ष को एहसास दिलाने की कोशिश की है और बयान जारी किया है कि राजनीति में सच का सामना करने की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेहतर नीतियां ही हैं जो बिहार को कोविड-19 के दौर में बेहतर कार्य करने का प्रेरणा देती है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को क्या एहसास हुआ कि कोविड-19 के वैश्विक आपदा में बिहार जैसे राज्य जो देश के विभिन्न राज्यों का बिहारी बोझ उठाते हैं, बोझ नहीं। आपको बता दें कि कोविड-19 के दौर में नीतीश कुमार की कार्यशैली में कोविड-19 के माहौल में नीतीश कुमार की कार्यशैली के बदौलत डिजिटल इंडिया महामारी श्रेणी में अवार्ड 2020 राष्ट्रपति के द्वारा बिहार को दिया जा रहा है। बिहार समेत उत्तर भारत में आज से कड़ाके की ठंड का अनुमान। सोमवार को पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हिमपात से उत्तरी राज्य में कड़ाके की सर्दी महसूस की गई। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। सोमवार को भी देश के उत्तरी राज्य सहित कई क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति रही। 2 जनवरी के बाद स्थिति सुधर सकती है। 29 से 31 दिसंबर के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में कड़ाके की सर्दी का अनुमान है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में जबरदस्त शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। राजधानी पटना में सबसे पहले बस स्टैंड वाले रूट पर दौड़ेगी मेट्रो। पटना मेट्रो का काम जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेट्रो रेल परियोजना के सर्वेक्षण ट्रैफिक सर्वे का काम पहले ही पूरा हो चुका है। मिट्टी की जांच भी पूरी कर ली गई है। भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। यूं तो पटना मेट्रो का काम 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है, मगर मलाही पकड़ी से नए बस स्टैंड तक 3 साल में मेट्रो दौड़ाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उक्त बातें कही हैं। बीते दिन उन्होंने दिल्ली में देश की पहली चालक रहित मेट्रो की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम के दौरान उक्त बातें कही हैं। राजनीतिक दल बनाने के बाद से पीछे हटे रजनीकांत। राजनीति में उतरने का ऐलान करने वाले अभिनेता रजनीकांत ने अब राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की बात से इनकार कर दिया है। एक्टर ने ट्विटर पर 3 पेज का बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। रजनीकांत ने कहा है कि वो राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। उन्होंने अपने प्रशंसकों से इसके लिए माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि यह ऐलान करते हुए उन्हें कितना कष्ट हो रहा है, इसे वही महसूस कर सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में ही रजनीकांत ने कहा था कि वो 31 दिसंबर को अपने राजनीतिक पार्टी का गठन करने वाले हैं। रजनीकांत ने लिखा कि इस फैसले का ऐलान करने पर जो दर्द हो रहा है वो मैं ही समझ सकता हूं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले भी रजनीकांत की तबीयत बिगड़ने के कारण काफी ज्यादा वो सुर्खियों में रहे थे। हालांकि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। मेलबर्न में टीम इंडिया को मिली ऐतिहासिक जीत पर विराट कोहली ने कही अहम बात। मेलबर्न में हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में भारत को बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसको लेकर हर तरफ भारत की वाहवाही हो रही है। इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ी और भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान
कप्तान अजिंक्य रहाणे की भी जमकर तारीफ हो रही है। वहीं मैच से दूर चल रहे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत टीम इंडिया के नियमित कप्तान विराट कोहली ने इस जीत के लिए टीम इंडिया की जमकर तारीफ की है। उन्होंने साथ ही अजिंक्य रहाणे की कप्तानी की भी तारीफ की है, जिनकी अगुवाई में भारत ने यह टेस्ट मैच जीता है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को भारत ने चौथे दिन ही अपने नाम कर लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या शानदार जीत है, यह पूरी टीम का शानदार एफर्ट, साथ ही खिलाड़ियों खासकर अजिंक्य रहाणे के लिए इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती, जिसने जीत में टीम की शानदार अगुवाई की है। पुराना भूलकर आगे बढ़ेंगे। बिहार में भी जल्दी बनाया जाएगा भूजल प्राधिकरण। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिहार के लिए भूजल प्राधिकरण बनाने का आग्रह किया है। चैंबर ने इस दौरान अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि प्राधिकरण नहीं होने के कारण व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। अध्यक्ष पी के अग्रवाल ने कहा है कि भारत सरकार के निर्देश पर देश के 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल प्राधिकरण बन चुका है। बिहार में साल 2006 में बिहार ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एक्ट 2006 बनने के बावजूद भूजल प्राधिकरण का गठन नहीं हो सका है। बिहार में प्राधिकरण नहीं होने के कारण उद्यमी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के नियम का अनुसरण करते हैं। अग्रवाल ने कहा है कि बोर्ड के नियम वैसे राज्यों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं जहां पानी की कमी है। बिहार में पानी की कमी नहीं है, इसी वजह से व्यवसायियों को परेशानी आ रही है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को मिली जीत का सबसे ज्यादा श्रेय आप किसे देंगे? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।